दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज की सीरीज की शुरुआत में 12 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच खेले जाने वाला है, जिसमें भारतीय टीम कुल 10 मैच की सीरीज खेली जाने वाली है। भारतीय टीम सबसे पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 मैच की टेस्ट सीरीज खेलेगी। वही टेस्ट सीरीज की समाप्ति के बाद भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैच की ओडीआई सीरीज खेलेगी। वही ओडीआई सीरीज की समाप्ति के बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज भी खेली जाएगी। तो बीसीसीआई ने ओडीआई सीरीज के लिए भारत की 17 सदस्य स्क्वाड की अनाउंसमेंट की गई है। तो हम इस वीडियो में भारत की 17 सदस्य स्क्वाड के बारे में हम आपको बताने वाले। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहे। तो आप भी क्रिकेट के बड़े वाले फैन तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिस को ऑल पे रखें, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना समय गुवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैच की ओडीआई सीरीज के शेड्यूल के बारे में बात करें तो पहला ओडीआई मुकाबला में 27 जुलाई को खेला जाएगा, दूसरा ओडीआई मुकाबला 29 जुलाई को खेला जाएगा और तीसरा वो अंतिम ओडीआई मुकाबला में 1 अगस्त को खेला जाएगा। ये सभी मुकाबले भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे से देखने को मिलने वाला है। तो इस सीरीज के लिए भारत की 17 सदस्य स्क्वाड के बारे में बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, यजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, जयदेव उनादकट, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, मुकेश कुमार, ये रहने वाले भारत की 17 सदस्य स्क्वाड जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैच की ओडीआई सीरीज खेलते हुए नजर आएगी। कोई आपको क्या लगता है पहले ओडीआई मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 किस तरह हो सकती है? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वही आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।